सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ एरर्स। तो टाइप ऑफ एरर्स में देखते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या है तेजी से। दिस इज माय आयते कुणाल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसमें दो ढंग के एरर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसे धीरे धीरे करके और अच्छे से समझेंगे हम लोग, एक एक बात समझते चले जाएंगे। ऐसा मैंने कहा है, हम लोग एनसीईआरटी के हर पॉइंट्स को देख रहे हैं तो उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और मैं धीरे धीरे इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो कि फिजिक्स में ऐसे ही फास्ट थोड़ा दिक्कत होता है। सिस्टमैटिक और दूसरा रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर होता है और दूसरा रैंडम एरर होता है। तो इस वीडियो हम लोग सिस्टमैटिक एरर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंडम एरर को डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और किसे कहते हैं उसे देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर और दोज एरर जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, इन द सेंस या तो वो ज्यादा, ऐसे मान लें कि आप लोग ने मैंने कहा इसे नापो, तो आप लोग जब नापने के लिए गए तो वो एक ही डायरेक्शन में होगा। इन द सेंस अगर इसका सेंटीमीटर, मैंने मुझे पता है किसका सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो आप लोग सब या तो 10.2, 10.1, 10.33 ऐसा ही कोई मेजर बताएंगे, आप 9.8 या 9.9 आप नहीं बताइएगा। एक ही डायरेक्शन में आप लोग जाइएगा और सिस्टमेटिक ढंग से या तो आप लोग आगे ही बढ़िएगा या तो आप पीछे ही आइएगा। ठीक है, ऐसे मैंने भी आगे बढ़ने का एग्जांपल लिया, आप लोग पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर पीछे आइएगा तो सिर्फ पीछे आइएगा। ये क्यों होता है? अब देखिए, अगर ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एक ऐसा रीजन है इसके पीछे जो कि चेंज नहीं हो रहा है सिचुएशन को बदलने पे। यानी कि अगर वो मान लिया कि इस डस्टर को मैंने जो दिया नापने के लिए, मैं अगर कोई एक दो तीन बच्चे होते तो एक बच्चा नापता इसे 10.2, दूसरा बच्चा नापता 10.3 और तीसरा बच्चा अगर नाप लेता इसे 9.8, तो मैं बोलता यार इसका मतलब तुम लोग के मेजरमेंट में ही कुछ गड़बड़ है, क्या तुम लोग ऊपर नीचे हो रहे हो, है कि नहीं? तुम लोग रैंडम एरर कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इस एरर का, ध्यान से देखो तुम लोग शायद कुछ गलती कर रहे हो, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में खराबी है। लेकिन अगर ये लोग एक ही तरह से आगे बढ़ते, यानी सबका सब अगर 10.25 अगर ये होता, मैं देखता यार सबको ही सब, कितने भी बच्चे से मैंने पूछा उन सब ने 10 से ज्यादा बताया है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एक ऐसा रीजन है जो कि हर बच्चे के साथ सेम है, हर बच्चे को वही तकलीफ आ रही है। हर बच्चे, जब भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या मैं ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता, मुझे हर बार मैं वही गलती कर रहा हूँ, तो वो एक सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। इसलिए इसे नाम दिया गया सिस्टमैटिक एरर। इसमें बहुत तरह के आते हैं। पहला आता है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। क्या चीज? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, मैंने कहा जैसा, अगर आपने तीन बच्चों को दिया और तीनों बच्चों के इंस्ट्रूमेंट में सेम ही तरह की दिक्कत है, वो ज्यादा बड़ी हो सकती है, जैसे किसी में 0.2 का डिफरेंस एरर होगा, किसी में 0.25 का एरर होगा, किसी में 0.33 का एरर होगा, तो अलग अलग एरर हो सकता है। लेकिन अगर वो सबका एरर सेम ही ढंग का है तो ये दिक्कत आ सकती है इंस्ट्रूमेंट के एरर के कारण। ठीक है, कभी कभी ऐसे हम लोग एनसर्टेन एग्जांपल दिया है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस सबका पानी गर्म होता है तो मे बी हो सकता है 104 दिखा रहा हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट का साफ साफ एरर है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है इसमें? इसमें होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का इम्परफेक्शन, एनसीईआरटी ने काफी बेस्ट एग्जांपल दिया है, इसलिए मैं उसी के ही कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे थोड़ा डिफरेंट बताऊं, लेकिन इसे बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसमें क्या बताया, क्या किसी को फीवर होता है घर में, आप लोग को पता है, तो हम लोग उसके लिए थर्मोमीटर देते हैं उसे और उसके आर्मपिट में लगाते हैं और हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। यहां तक कि आर्मपिट में लगाने के कारण कभी स्वेट आता है, कभी स्वेटिंग हो रही होती है, कभी बाहर का टेम्परेचर काफी कम होता है, जब उसे निकालते हैं तो एक सेकेंड के अंदर ही टेम्परेचर डिफरेंस तो काफी अगर है तो उसमें तुरंत ही अंतर आ जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन अगर, क्योंकि आप लोग का जो स्केल होता है वो 98.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे करता ही नहीं है, या फिर 98 मतलब कहने का मतलब डेसिमल के एक डिजिट, डेसिमल के एक प्लेस से ज्यादा वो डिफरेंस नहीं कर पाता। अगर कर पाता तो आप लोग को दिखाई देता कि अगर आपने आर्मपिट में लगाया है और वो अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, तो अगर आप लोग देखते हैं
कि ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं, अगर इसके डेसिमल प्लेस के एक प्लेस के ज्यादा, जैसे मान लेते हैं टर्मिनेटर मेजर 3, 4, 5 होता, तो वो जैसे आप लोग उसको देखने तक लाते हैं, अपने तक लाते हैं, वो घट करके 100.1 हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इफेक्ट हम लोग को पड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता। लेकिन एक्चुअली ये भी एक एक्सपेरिमेंटल काफी एरर है, इतने क्वांटिटी को बदलने पर पूरा का पूरा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से बदल जाता है और बहुत बड़ा दुर्घटना होने का चांस भी रहता है, जिस जिसको हम लोग बेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा एरर सिस्टमेटिक एरर कहलाता है, जो कि इम्परफेक्शन होता है एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अगर आप टेक्निक सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन आप टेक्निक नहीं समझ सकते, जैसे कि थर्मोमीटर के केस में कहीं हवा आ गया, कहीं स्वेटिंग हो रही है बॉडी में, उस ढंग से। तीसरा आता है हमारे पास पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर होता है ये। और पर्सनल एरर क्यों होता है भाई, तो अपनी गलती से। NCERT ने इससे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। मान लिया कि आप लोग ने इसको मेजर करने के लिए एक स्केल लिया और आप, मैं मेजर कर रहा हूँ लेकिन मैं इसे सामने से नहीं देख रहा हूँ, मैं तिरछे देख रहा हूँ, ठीक है, इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे जो मेजरमेंट मिलेगा वो थोड़ा सा अलग सा होगा। रीजन क्या है कि मैं उसमें एक पैरेलेक्स क्रिएट कर दूंगा। ये अगर सीधे आता तो ऐसे आता, ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह से मैं देखूंगा तो ये ऐसे जाएगा, तो ये डिस्टेंस छोटा होगा और डिस्टेंस लंबा होगा, और इस कारण से एक पैरेलेक्स क्रिएट हो जाएगा, जिस कारण से जो मुझे लेंथ मिलेगा वो अलग मिलेगा और वो गलत मिलेगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर, तीन के तरीके में बताएं जिस तरह सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मी एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।